जय श्री सोमनाथ। जो धरती से उनका जो प्रस्थान है वो हुआ था ऐसा माना जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार। लहर बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत तेज है काफी, और ये देखिए अलग अलग एक्टिविटीज है। सो गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू चैनल। नाम है अंकित और हम लोग आज जाने वाले हैं सोमनाथ की तरफ। अभी रात के बजे हैं 10 और अभी हमारी 10:30 बजे की बस है, तो चलिए चलते हैं। देखते रहिए वीडियो को पूरा। तो भाई साहब हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे पालड़ी बस स्टैंड। ये देखिए यहाँ से जितनी भी ट्रैवल्स बसें हैं, प्राइवेट ट्रैवल्स बसें यहाँ से मिलेगी, और ऑलरेडी हमारा जो टिकट है रिजर्व्ड है। तो चलिए चलते हैं अभी सीधा टूर ऑपरेटर वहाँ। तो भाई साहब हमारा जो रिजर्व कंफर्म था उसकी जो टिकट है मिल गया है, और ये देखिए ट्रैवल्स का ऑफिस बना हुआ है, महासागर ट्रैवल्स इसका नाम है, और यहाँ पालड़ी से अभी 5 से 7 मिनट में बस आएगी। चलो आ गई बस। तो भाई ये है बस, ये आ गई हमारी बस। ये पहले ये वाला आगे की मस्ती चालू। यहाँ पे चढ़ो, मम्मी बिछा रहा है, रुको। चलो से हेलो, किसको हेलो कर रहा है बेटा? अमेजिंग। दियारा को आइसक्रीम खाना है? नो, नहीं खाना आइसक्रीम बेटा, बनो। चलो भाई थोड़ा सा बाहर का, ये आइसक्रीम नहीं है बेटा, ये चॉकलेट है ना। भैया कितना टाइम में चलने में? अच्छा ठीक है, चलो। ये देखिए सामने इस्कॉन मंदिर है, ये देखिए इस्कॉन मंदिर। ट्रैफिक जाम हुआ हुआ पड़ा है, क्या होगा? क्या है? सो भाई साहब ये है बस तक, और अभी मैं आपको सीधा मिलता हूँ सुबह सोमनाथ, और सीधे सोमनाथ में आपको दिखाएंगे, दर्शन वर्शन कराएंगे। तो तब तक के लिए गुड नाइट, और मिलता हूँ मैं आपको सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई साहब हम उतर गए हैं यहाँ पे सोमनाथ मंदिर के जस्ट सामने, और ये थी हमारी बस जो यहाँ मंदिर, जो सोमनाथ मंदिर रोड है यहाँ पे हमको उतारा है, बहुत ही नज़दीक। ये सामने की साइड ही मंदिर है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे अभी एक रूम के लिए, बहुत सारे गेस्ट हाउस बने हुए हैं यहाँ पे देखने के लिए जाएंगे, और फिर उसके बाद तैयार वैयार होकर हम लोग जाएंगे मंदिर की तरफ। और यहाँ पे सोमनाथ ट्रस्ट के बहुत सारे गेस्ट हाउसेज अवेलेबल है जो आप ठहर सकते हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छे गेस्ट हाउस है। एक का नाम है लीलावती है, और एक माहेश्वरी गेस्ट हाउस है, बहुत भी सारे। बट हमको यहाँ पे रूम्स अवेलेबल नहीं थे, इसके लिए यहाँ जगह नहीं मिल पाई, तो हमने एक प्राइवेट गेस्ट हाउस में अपना रूम बुक कर लिया। ये देखिए ये है माहेश्वरी समाज अतिथि गृह, यहाँ आपको बुक करने के लिए आपको ऑनलाइन हमेशा करवा के आए, क्योंकि हाय गाइस हम लोग हो गए हैं अभी रेडी, और अभी हम लोग जाएंगे सीधा सोमनाथ धाम मेन मंदिर की तरफ। और यहाँ पे देखिए सब सामान बिखरा पड़ा है पलंग पे, और ये हमारा रूम है, दियारा ऑलरेडी रेडी है। सो अभी मिलते हैं, आपको बताएंगे पूरा मंदिर का जो जो यहाँ पे आकर्षण के केंद्र है, आजू बाजू जो भी मंदिर है, आसपास में जितने भी दर्शन करने
अगर जो जितने भी मंदिर है आपको सब बताएंगे, देखते रहिए वीडियो को। और अभी चलते हैं हम सीधा सोमनाथ की तरफ। ये देखिए, ये हमारा होटल है और यहाँ होटल से सामने की तरफ रास्ता है मंदिर का, बहुत ही नज़दीक है। सीधा सामने ही जो है मंदिर का रास्ता है। तो ये देखिए, ये है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। हिंदुस्तान के सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है ये भगवान महादेव का। कहा जाता है ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जहाँ भगवान खुद महादेव प्रकट हुए थे किसी ना किसी रूप में। तो ये देखिए, हम पहले रास्ता यहाँ से हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। मुग़ल शासन में इस मंदिर को बहुत बार तोड़ा गया था, पर उसके बाद भी अभी भी ये देखिए मंदिर काफ़ी अच्छे से खड़ा है और काफ़ी आकर्षक और सुंदर ये मंदिर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये मंदिर वापस बनवाया था। और अपने चप्पल वगैरह अभी भी यहाँ पे रख सकते हैं। सो अभी हमारा मोबाइल यहाँ पे मंदिर की तरफ जमा करवाना पड़ेगा, हम अंदर जाके दर्शन करके आएंगे और उसके बाद में हम आपसे मिलते हैं। मोबाइल, कैमरा, वॉलेट, घड़ी, आप कुछ भी अंदर नहीं ले जा सकते हैं मंदिर के अंदर। सो यहाँ लॉकर रूम बने हुए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए, अगर आपके पास सामान है तो आप सामान भी रख सकते हैं, और मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए अलग से क्लॉक रूम बना हुआ है, तो आप अलग अलग जगह पे अलग अलग अपना सामान रख सकते हैं। और टोकन सिस्टम है, जब से टोकन लेके आप वापस उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, भगवान सोमनाथ की छाप लगवा रहे हैं और दर्शन करने के लिए जा रहे हैं अंदर। अभी मोबाइल तो यही जमा करवाना पड़ेगा। जस्ट दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ गए हैं इस मंदिर से, और अभी हम जाएंगे सीधा खाना खाने, लंच करने के लिए, और उसके बाद हम लोग बाकी के जो भी मंदिर है उन सभी जगह पे जाएंगे। सो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि सी एरिया है, थोड़ा समुद्र वाला एरिया है, तो काफ़ी ह्यूमिडिटी और काफ़ी गर्मी है यहाँ पे। तो हम लोग अभी यहाँ आए हैं लीलावती डाइनिंग हॉल में, जो कि ट्रस्ट की तरफ से बना हुआ है। काफ़ी अच्छा और स्वादिष्ट भोजन मिलता है यहाँ पे, और आप 70 रुपये दे के आप अनलिमिटेड थाली का अनलिमिटेड थाली ले सकते हैं यहाँ पे, और बहुत ही स्वादिष्ट खाना था यहाँ पे। खाने के लिए मैं आपको ये लीलावती डाइनिंग हॉल ही सजेस्ट करूँगा। हमें ये खाना काफ़ी स्वादिष्ट लगा और काफ़ी मज़ा आया। तो भाई साहब, खाने के बाद हमने लोगों ने ये रिक्शा हायर की है जो हमें सब जगह घुमाएगा, आजू बाजू जितने भी मंदिर है और जो भी देखने लायक चीज़ें हैं वहाँ लेके जाएगा। आप भी ऑटो हायर कर सकते हैं, करीब 300 से 400 रुपये में आपको सारी चीज़ें आसपास घुमा देगा, और काफ़ी अपना टाइम, कुछ 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा, और आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फर्स्ट अट्रैक्शन हम लोग जा रहे हैं अभी भालका तीर्थ मंदिर, काफ़ी मेन अट्रैक्शन है यहाँ का। मैं बता दूँ आपको, सारी जो देखने की जो अट्रैक्शंस है सारी 4 किलोमीटर के रेंज में ही है, तो आप ये इस प्रकार से एक ऑटो हायर करके आप लोग सारी चीज़ों के दर्शन कर सकते हैं। तो हम लोग भालका तीर्थ कृष्ण मंदिर पहुंच चुके हैं। ये है वेरावल के अंदर स्थित है, करीब सोमनाथ से 4 से 5 किलोमीटर दूर है, और इस मंदिर की मान्यता है कि युद्ध के समय भगवान कृष्ण यहाँ पे विश्राम करने के लिए आए थे, तो जर नामक जो शिकारी था उन्होंने एक तीर मारा था कृष्ण भगवान के पांव में, तो वैसे ही एक मूर्ति यहाँ पे कृष्ण भगवान के मंदिर के अंदर स्थापित है। तो यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं, और माना जा लोग अभी हम लोग पहुँच चुके हैं भालका तीर्थ। यहाँ लोगों का मानना है कि यहाँ पे एक पीपल का पेड़ है उस ज़माने का, करीब 5000 साल पहले का, जो अभी भी हरा भरा है,
और उस लोग उन पेड़ की भी पूजा करते हैं यहाँ पे। उस जरा नामक जो शिकारी था जो श्री कृष्ण के पाँव में उसने जब तीर मारा था, तब माना जाता है कि यही वो जगह है जहाँ श्री कृष्ण धरती से प्रस्थान किए थे, यहाँ से धरती छोड़ के गए थे। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जगह, और आप जब भी सोमनाथ आए ये मंदिर के ज़रूर दर्शन करें। काफ़ी मान्यता है इस जगह की। और ये देखिए मंदिर का नज़ारा देखिए, खूबसूरत मंदिर है। ये देखिए श्री कृष्ण की मूर्ति जो लेटे हुए हैं श्री कृष्ण, और उनके पाँव में तीर लगा हुआ, और उसके सामने शिकारी को भी नमस्कार करते हुए दिखाया गया। यहाँ पे एक पानी का कुंड भी है, कुछ तालाब जैसे बना हुआ है, तो देख रहे हैं। प्रकटेश्वर महादेव साथ में भालका तीर्थ कृष्ण मंदिर है, दोनों मंदिर एक साथ हैं। एक और महादेव मंदिर वहाँ पे है बद्रेश्वर। अभी हम लोग चलते हैं दूसरे प्लेस पे, दूसरे मंदिर। ये मंदिर सोमनाथ मंदिर से भी पुराना है, करीब माना जाता है कि ये 1200 वर्ष पूर्व ये मंदिर बना था। बट यहाँ पे हमको फ़ोटोग्राफी और किसी भी तरह की वीडियोग्राफी करने की परमिशन नहीं थी, तो हमने यहाँ पे शूट नहीं किया कुछ भी। तो हम लोग अभी दर्शन करके आते हैं इस मंदिर से, और उसके बाद आपको दिखाएंगे जो दूसरा मंदिर है इसके जस्ट पीछे की तरफ, जो शिवलिंग है जो समंद्र में स्थित है, वहाँ पे आपको लेके जाएंगे। ये मंदिर को मैं आपको सिर्फ बाहर से ही दिखा पा रहा हूँ क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। चलिए महादेव का मंदिर है, सोमनाथ मंदिर नया बन रहा था ना, उसका आरती पहले यहाँ होता था। अच्छा, अभी भी पहले आरती यहाँ होता, उसके बाद नए मंदिर में सोमनाथ में आरती होता है। समुद्र के किनारे शिवलिंग है, समान गुंजित कर देते हैं, दो शिवलिंग यहाँ पर एक शिवलिंग आगे। ये वो ही शिवलिंग है ना जहाँ पे पानी एकदम दूर तक जाता है, एकदम आगे। हाँ, ये बरसात में मतलब पूरा डक हो जाता है, बरसात में नहीं यहाँ तक पानी रहता है। यहीं से चलो ना, तो ये देखिए पहुंच गए हम लोग बाण गंगा। धीरे धीरे उतरना यहाँ से। बाण गंगा जो शिवलिंग है ये देखिए यहाँ जो शिवलिंग है एकदम नेचुरली, एकदम प्राकृतिक रूप से ये शिवलिंग निकला है यहाँ से। और बाण गंगा इसके लिए बोलते हैं क्योंकि जो कृष्ण भगवान को जो तीर मारा था जो शिकारी ने, वो यहीं से मारा था, इसके लिए उसको बाण गंगा बोला जाता है। ठीक है, ये वही शिवलिंग है। सो हम लोग जा रहे हैं शिवलिंग पे पानी चढ़ाने के लिए। देखिए एक और शिवलिंग यहाँ पे है। सो दो शिवलिंग है ना, एक सामने और है क्या? नो प्रॉब्लम,
ये देखिए भाई साहब, पूरा पानी पानी गीला हो गया। इट कैन बी स्लीपरी। हाँ स्लीपी है भाई, स्लीपी हो सकता है। ओह माय गॉड, अमेजिंग। मेरा पूरा पैंट ही गीला हो गया भाई। लहर बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत तेज़ है। हाँ, बहुत लहर आ रहा है, बहुत तेज़ लहर। ये देखिए यहाँ से जो सोमनाथ मंदिर है वो भी दिखता है पीछे। हाँ वही ना, फटाफट यहाँ से। अरे भाई, अभी यहाँ शिवलिंग के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं वापस अपने होटल रूम में, और वहाँ थोड़ा आराम करने के बाद हम लोग शाम को जाएंगे हम लोग सोमनाथ बीच पे, और सनसेट का नज़ारा आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। सुबह डेढ़ से दो घंटा आराम करने के बाद हम लोग अभी आए हैं बीच देखने। चल लेगी ना। अभी यहाँ से सीधा बीच पे जा रहे हैं, ओशन व्यू। बीच पे कुछ साफ सफाई मेंटेन करने के लिए एक छोटा सा एंट्री फीस रखा गया जो कि 5 रुपये है, और इसके अलावा आप साइकिलिंग, कपल साइकिलिंग और बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे, तो आप सिर्फ यहाँ पे सनसेट एंजॉय कर सकते हैं और बहुत सारी फोटोग्राफी कर सकते हैं। एंट्री के लिए ये देखिए बीच का मार्केट है, और जी आ जाओ फटाफट। वैसे हम लोग पहुंच चुके हैं अभी बीच। ये देखिए हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत ही ऊंची। शाम का टाइम है, 6 बजने वाले है, और सनसेट होने के लिए यहाँ इतने सारे लोग आए हुए हैं। भाई साहब हम लोग पहुंच गए अभी बीच पे। ये देखिए लहरें जोर जोर से लहरें आ रही है, और ये भाई साहब ज़बरदस्त। हेलो, ये देखिए भाई साहब बीच पे सब लोग एंजॉय करते हुए यहाँ पे लहरों का। शाम का टाइम है, अभी सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में। और जी आपको डर लग रहा है पानी में जाने से?
बहुत ज़्यादा तेज लहर है भाई, बहुत ज़्यादा। देखिए पीछे कितने बहुत तेज से लहर आ रही है, ये देखिए बंद हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ थोड़ा सा ये देखिए भैया बीच पे बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट हो रहा है यहाँ पे। और ये देखिए दियारा हमारी खेल रही है, दियारा शी इज बिजी। व्हाट वाज दैट अगेन, जबरदस्त व्यू भाई साहब, सनसेट देखिए यार, बहुत मज़े आ रहे हैं। बैठ जाओ मोबाइल। तो भाई साहब देखिए वेव्स कितनी खतरनाक वाली वेव्स आ रही है। तो भाई साहब गुड इवनिंग, सनसेट का माहौल देखिए भाई साहब, ज़बरदस्त सनसेट है और क्या अच्छा माहौल है भाई साहब। यहाँ पे फैमिलीज आई हुई है काफ़ी और ये देखिए अलग अलग एक्टिविटीज है, आप यहाँ साइकिलिंग कर सकते हैं यहाँ पे एंड हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, कैमल राइडिंग है एंड ये देखिए। तो भाई साहब ये था सोमनाथ का बीच और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे। सनसेट का टाइम हो गया ऑलरेडी, बीच बंद होने का टाइम हो गया है, तो सिर्फ 7 बजे तक आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं ये देखिए। और अभी 7 बजे के बाद अभी सीटी बज रही है, सबको निकाल रहे हैं यहाँ से। तो भाई साहब ये था हमारा सोमनाथ का ट्रिप, बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके बताइएगा, शेयर करिएगा अगर कुछ भी आपको पूछना है इससे संबंधित। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ।